सिंपल केक इंडियन स्वीट्स के साथ मतलब मोतीचूर की लड्डू गुलाब जामुन के साथ एक इंटरेस्टिंग फास्टिंग तैयार हो जाता है। आज की रेसिपी है ये दो जार केक। मोतीचूर लड्डू जार केक बनाने के लिए जार में पहले केक क्रम्स डालिए, उसके ऊपर व्हीप क्रीम। इलेक्ट्रिक बीटर के बिना ये बनाया है, प्रोसेस भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। देन आई एम एडिंग मोतीचूर लड्डू केक क्रम्स एंड व्हीप क्रीम वन बाई वन। आप जैसे मन चाहे डेकोरेट कर सकते हैं। मैं डेकोरेट कर रही हूँ लड्डू चॉप्ड पिस्ता रोज पेटल्स और सिल्वर वर्क के साथ। अब शेयर कर रही हूँ एक ग्लेज वैनिला स्पॉन्ज केक की रेसिपी। उसके लिए पहले एक बोल में हाफ कप वेजिटेबल ऑयल, हाफ कप दही, एक कप हल्का गर्म दूध, 2/3 कप पीसी हुई शक्कर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा छान के डालिए। उसी में 1 टीस्पून वैनिला एसेंस डाल के अच्छे से बीट करिए। ऊपर की ये झाग देखिए, दही और बेकिंग सोडा का रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। यही आपका केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाएगा। 1/2 कप मैदा छान के डालना होगा ताकि कोई लम्स ना आए बैटर में। स्पैचुला से कट एंड फोल्ड मेथड में बैटर मिक्स करते जाइए जब तक आपको स्मूथ यानी रिबन कंसिस्टेंसी बैटर ना मिले। उससे ज्यादा बीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब 7-inch केक टीन में इको बेक पार्चमेंट पेपर सेट कर रही हूँ। बहुत जरूरी है ये ताकि आपका केक पैन में ना चिपके, इसलिए केक टीन की बेस और साइड्स में भी लगा ले। आप केक टीन में केक बैटर डाल सकते हैं। बिना ओवन की कढ़ाई पे ही बेक करके दिखाएंगे आज। पहले लो फ्लेम में 10 मिनट प्रीहीट करना होगा। देन स्टैंड के ऊपर केक टीन रख के लो फ्लेम में ही अप्रोक्स 45-50 मिनट्स बेक करना होगा आपको। या फिर एक टूथपिक डाल के देखिए, क्लियर आ रहा है मतलब बेक हो गया है। आपका टूथपिक अभी भी क्लियर नहीं आए तो और 5-10 मिनट लो फ्लेम में ही बेक करना होगा। डीमोल्ड करने से पहले केक ठंडा होना जरूरी है। धीरे धीरे इको बेक पेपर हटा रही हूँ। आप देख सकते हैं रिजल्ट कितना अच्छा है। केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। एक पीस कट करके दिखा रही हूँ। इसका टेक्सचर देखिए, एयर पॉकेट्स नहीं है अंदर। इसी परफेक्ट टेक्सचर की केक क्रीम डेकोरेशन में भी इस्तेमाल होती है और आप चाहे तो चाय के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। बिना बीटर के व्हीप क्रीम बनाने के लिए पहले जरूरी स्टेप, मिक्सर ग्राइंडर जार चिल्ड होना चाहिए। खाली जार 1 घंटा के लिए फ्रीजर या डीप फ्रीज में रखना होगा। नेक्स्ट व्हीपिंग क्रीम भी ठंडी होनी चाहिए। मैं 2/3 कप मतलब 120 ml चिल्ड व्हीपिंग क्रीम ले रही हूँ चिल्ड ग्राइंडर जार में। और ये काम करते करते दोनों ही थोड़ा बहुत तो रूम टेम्परेचर में आ जाता है, इसलिए 15 मिनट्स के लिए फिर से फ्रीजर में रख दे। देन हाई स्पीड में 30-40 सेकंड कंटिन्यूअसली बीट करिए। अच्छा खासा बीट तो हो गया है लेकिन क्रीम अभी भी लूज है, तो फिर से बीट करेंगे 30 सेकंड्स के लिए। ये देखिए अब क्रीम हल्का टाइट भी है, पिक्स भी आ गया है इसमें। गुलाब जामुन जार केक बनाने के लिए भी नीचे केक क्रम्स डालिए, फिर ऊपर व्हीप्ड क्रीम। गुलाब जामुन छोटे छोटे टुकड़ा करके डाल रही हूँ और ये जाएगा थोड़ा सा खोया, बस टेस्ट बढ़ाने के लिए। फिर से व्हीप क्रीम जाएगा इसके ऊपर, एकदम ऊपर जैसे मन चाहे आप डेकोरेट कर ले। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और उतना ही टेस्टी बना है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच रेसिपीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।